जहाँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, तब मुझे अपनी मम्मी की यही बात याद आती है। फिर मैं एकदम काम हो जाती है। मैं बोलती हूँ कि भाई ये मम्मी की दुआएं है। क्योंकि मैंने जितना अपनी मम्मी को सताया है ना, वो शायद ही मम्मी के बाकी बच्चों ने सताया होगा, और मम्मी उस पर गुस्सा नहीं करती। साड़ी ला के दो या कुछ भी ला के दो तो उनको ये लगता है अरे ज़्यादा महंगी लिया। क्योंकि जब से शादी हुई है और स्पेशली जब से सोहा मेरी लाइफ में आया, तब से तो मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ, मदर्स डे पर अपनी माँ को पूजूँ कि सासू माँ को पूजूँ। 10 साल तो हो गए रोहित के साथ में, पता नहीं कब सीखूंगी ये सामान को कंट्रोल करना। कुछ नहीं आया यार, बल्कि मैंने रोहित को बोलना सिखा दिया। सासू माँ अगर रूट हो जाए तो मुझे आज भी नहीं पता कैसे बुलाओ। मैं फिर अपने पति देव को पकड़ती हूँ। स्वागत है आपका हमारे शहर में। आप खुद भी एक मदर है, बट अगर आपकी भी जो माँ है उनकी बात करूँ तो किस तरीके से उन्हें स्पेशल फील करवाती है मदर डे पर, और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आपको? देखिए जब से शादी हुई है और स्पेशली जब से सोहा मेरी लाइफ में आया, तब से तो मैं कंफ्यूज होती हूँ, मदर्स डे पे अपनी माँ को पूजूँ कि सासू माँ को पूजूँ। क्योंकि ऑनेस्टली मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए, मैं जो भी हूँ वो किया ही है, मगर एज अ मदर मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मेरी मदर इन लॉ की मिली है। बिकॉज आज बेफिक्र होके मैं मम्मी को बोल के आती हूँ कि सोहम का ध्यान रखें। अभी भी वो खुद से अपने हाथ से खाना नहीं खाता, वो बिल्कुल दादी के लाड़ में है। तो मतलब दादी का जो उसको प्यार मिल रहा है, टच वुड, आई एम ग्रेटफुल, तो मेरे लिए वो बहुत ऊपर है मेरी मदर इन लॉ। तो आधा दिन मैं वही सोचती हूँ कि मम्मी को, अपनी मम्मी को बुला लूँ यहाँ पे, और वैसे वो दिल्ली में है, वो आ जाएंगी पर 11 तारीख तक। तो यही सोचा है कि अक्षर तृतीया भी आ रही 10 तारीख को, कि थोड़ा सा नो गोल्ड हर सबको पसंद होता है, तो वही सोच रही हूँ कि कुछ गोल्ड का मम्मी के लिए और मदर इन लॉ दोनों के लिए कुछ लेकर उनको सरप्राइज करूँ, उनको गिफ्ट दूँ। बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ में रहे, मतलब आप रख सकते हैं, और वो कभी भी हाँ उसका कुछ वैल्यू जाता नहीं है, और मम्मी उस पर गुस्सा नहीं करती। साड़ी ला के दो या कुछ भी ला के दो तो उनको ये लगता है अरे ज़्यादा महंगी ले आए, पर गोल्ड का ऐसा है कि नहीं दे, उनको पता है कि ये रेट है, थोड़ा मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अच्छा डिज़ाइन डिजाइन हो तो उनको पसंद आता है। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि उनको थोड़ा स्पेशल फील कराती हूँ। और बाकी देखिए ये उन वो जो मेरे को दे रही हैं उसको मैं किसी भी चीज़ में आँक नहीं सकती, वो तो मेरी तरफ से एक जेस्चर है ये बताने का उनको कि मम्मी मैं भी आपको ध्यान, मैं भी आपका इतना मैं कर सकती हूँ तो इतना मैं कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ आई एम ब्लेस्ड, सो मच ब्लेस्ड कि आई हैव सच अ सपोर्टिव मदर इन लॉ एंड मदर टू। तो बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी की तो मैं क्या बताऊँ, मैं मम्मी की फली की, मेरी मम्मी की हाथों की अपनी फलियाँ की सब्जी जो होती है, बीन्स की सब्जियाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जैसे बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत रोने के सीन होते हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी प्लीज़ मेरे लिए बना दो। और मैं ऑन द वे मम्मी से पिक करती हूँ, अगर मम्मी बॉम्बे में है तो पिक करते हो, या मम्मी पापा मेरे आके मेरे ससुराल में सब्जी देकर जाते हैं, तो मैं मम्मी के हाथ की सब्जी जब खाती हूँ तो रात को तृप्त होकर सोती हूँ। तो चाहे कितने ही रोने के सीन हो, कितने एग्जॉस्ट क्यों ना हुई हूँ या हड्डी शड्यूल क्यों ना, अगर मम्मी के हाथों की सब्जी बनी बनाई मिल जाती है तो ऐसा जन्नत मिल गई। लेकिन इसी के साथ अगर दीपिका मैं बात करूँ, शादी से पहले एक माँ जब भी कुछ गुस्सा होती तो ऐसी बोलती कि शादी जब तेरी होगी तेरे बच्चों ना तब पता चले। हाँ मेरे को तो बहुत बोली है लाइन, मुझे तो मम्मी ने, मेरी मम्मी ने बहुत, मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में जितने भी टफ टाइम्स है ना वो मेरी मम्मी के मुंह से ही निकले हुए हैं। क्योंकि मैंने जितना अपनी मम्मी को सताया है ना, वो शायद ही मम्मी के बाकी बच्चों ने सताया होगा। बिकॉज मैं बड़ी लड़की थी तो बहुत मेरे को पैम्पर किया गया है, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत लाइन बोली है। तो आज जब भी सोहम कुछ ऐसी हरकत करता है जहाँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, तब मुझे अपनी मम्मी की यही बात याद आती है। फिर मैं एकदम काम हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भाई ये मम्मी की दुआएं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मेरी जो नानी है मेरी मम्मी की तारीफ ही करती है। हाँ। उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आप बता दें ना काफी मम्मी आपसे परेशान रहती थी, फिर ऐसे बोलती थी। हाँ। ऐसी चीज आपके साथ होती है कि जब आपके बच्चे कॉल करते हैं नानी को तो तारीफ होती है या फिर जो रहे हैं रियल? नहीं हाँ पता नहीं, मम्मी हमारे सामने तो हमारी इतनी क्लास लेती हैं कि बस पूछो मत। जैसे मगर अगर कोई मैं किसी और के सामने बोल दूँ कि मैंने तो अपनी मम्मी को टफ टाइम दिया है, अगर यही बात मैं अपनी मम्मी के सामने, तो मेरी मम्मी ऐसे बोलेगी नहीं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अपने आप पढ़
पढ़ती थी इतने नंबर आ जाते थे मेरी सुप्रिया के तो वो सुन भी नहीं पाएगी, तुरंत ही पलटू मास्टर है, तुरंत ही तुरंत ही जो है मतलब अगर रोहित बोले कि मम्मी देखो दीपिका ने ये किया तो मम्मी नहीं ऐसे तो बहुत समझदार है तो हो जाती है, बहुत ध्यान रखती है, तो मम्मी का तुरंत से कोमल पाठ जाग जाता है। तो मम्मी आगे, मम्मियों के आगे आप जीत नहीं सकते, ना अपनी बुराई करके ना अपनी अच्छाई करके। अगर अच्छाई करोगे मम्मी देखो मेरे को ये मिला तो मेरी इतनी तारीफ हो रही थी उस सीन की, अच्छा उसमें ऐसे बाल बनाए हुए थे वैसे ठीक है तू तो अच्छा ही करती है तब तो ये जवाब आ जाएगा। और अगर ये बोल दो कि मम्मी जो है ऐसा ऐसा हुआ पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग तो भी कहीं मेरी मम्मी को, मम्मियों के पास में हर चीज़ का जवाब है। बट जब संगीता जी जो मेरी मम्मी का रोल प्ले कर रही है, शांति जी, शी इज़ क्वाइट लाइक माय मॉम, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी इज़ तो लाइक, उनका कैरेक्टर तो बहुत स्पाइसी है बट संगीता जी जैसे एज अ पर्सन जो है तो ऑन सेट शी इज़ लाइक माई, यू नो शी टेक केयर ऑफ मी एट लॉट वेन एवर, लाइक शी कॉल्स मी फॉर द लंच, समटाइम्स आई फील कि मैं सो जाती हूँ, आज 30 मिनट्स मिला है, मैं 7 की शिफ्ट थी आज, मैं 20 मिनट आराम करूँगी, तो दीदी आती है अरे खाना कब खाएगी, तो ऑन सेट संगीता दीदी टेक्स केयर ऑफ मी एंड शी रिमेंबर्स मी ऑफ माय मदर। ऐसे ही जब मैं दियाबाती करती तो भाभो यूज टू टेक केयर ऑफ मी एंड लाइक शी इज लाइक एल्डर सिस्टर, तो वैसा वो केयर ऑन सेट। जैसे मैं आप मेरी लंच टाइम स्टोरीज भी देखते हैं उसमें संगीता दीदी हमेशा होती है बिकॉज वो अपने हाथों से खुद खाना बना के लेकर आती हैं, एंड स्पेशली जब 7 की शिफ्ट होती है तो शी नोज कि हाँ कई बच्चे हम लोग कई एक्टर्स जो हैं खाना नहीं लेकर आए होंगे, तो वो पुलाव बना के लेकर आती हैं जल्दी जल्दी में, बट शी टेक केयर फॉर मी ऑन सेट इज संगीता दीदी, जो मुझे मेरी मम्मी बेशक दिल्ली में है बट उनका ख्याल अपने हाथों के जरिए अपने खाने के जरिए ऐसा लगता है कि मम्मी पास है। लेकिन अगर आपकी सासू माँ और आपकी माँ की बात करूँ तो जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो दोनों को बनाने का तरीका कौन सा है, अलग अलग तरीका या फिर सेम प्रोसेस में दोनों माँ? सासू माँ अगर उठ हो जाए तो मुझे आज भी नहीं पता कैसे बनाओ मैं फिर अपने पति देव को पकड़ती हूँ और उनको ऐसा टफ टाइम देती हूँ कि वो खुद जाके सब सेटल वेट कराते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है जी। और मुझे बड़ा तरस आता है कभी मम्मी अगर नाराज हो जाए तो मुझे रोहित को देख के बड़ा तरस आता है मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मगर फिर भी हर इंसान देखिए अलग अलग वो होते हैं, स्पेशली मतलब बेटियों को देने में वो बहुत बिलीव करती हैं, और अगर हमसे कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी अगर कोई बात हो गई या मैंने सोहम को डांट दिया ज्यादा, तब मेरी मदर इन लॉ नाराज हो जाती हैं कि मतलब कि ज्यादा डांट रही है या उस तरह से, जैसे ज्यादा अभी छोटा है, बहुत छोटा है, इतना क्यों उसको मतलब कि डांटना और ऐसा करना, और वो अकेला भी रहता है, तब थोड़ा मेरी सासू माँ, बट शी इज नॉट लाइक अपसेट, तो कभी कभी हो जाता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाती हूँ, आपको तो पता है मैं ज्यादा बोलती हूँ और आपकी जो मॉम है गुस्सा किस बात पर अगर होती है तो आप कैसे मनाते हो? मेरी मॉम का तो कुछ पता ही नहीं है, मेरी मॉम को तो बस कभी भी वो उनके ऐसा गुस्सा, तो देखिए मैं ऐसी इंसान हूँ जो परफेक्ट है ही नहीं, इम्परफेक्शन की पुतली हूँ मैं तो ऐसा है ही नहीं कि मुझसे कोई नाराज नहीं हो सकता, मुझसे तो भैया मैं खुद, मेरी जो जबान है ना वो खुद ऐसे वो सीधी सीधी जानदी की चल रही होती है ना, वो जानबूझ के मेरी जबान जो है ना मेरे लिए आड़े आ जाती है, मेरे अच्छे टाइम को टफ टाइम बनाने के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे से अच्छे अच्छे चल रही होती है, लाइक माई फैंस, लाइक माई इंस्टाग्राम, अच्छा सा चल रहा होता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा मेरी जबान निकल जाती है कि सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है फिर तो मेरी लाइफ हैपनिंग रहती है मेरी जबान की वजह से उस पर कंट्रोल नहीं है, बस वही सीखना है मुझे रोहित से, 10 साल तो हो गए रोहित के साथ में, पता नहीं कब सीखूंगी ये जबान को कंट्रोल करना, कुछ नहीं आया यार बल्कि मैंने रोहित को बोलना सिखा दिया। अच्छा अगर इसमें बात करूँ तो मदर्स डे है तो इसमें एक सॉन्ग अपनी मॉम और अपनी मदर दोनों को डेडिकेट करना होगा तो कौन सा होगा? यार अगर मैंने सॉन्ग गाया है तो वो दोनों को पता लग जाएगा कि मैं कितनी गुड़ी हूँ तो
ऐसे ऐसे गुण मत निकलवाओ जहां पे अवगुणों की पेशकश हो जाए, और फिर ये इसके लिए मैं ट्रॉल हो जाऊं। मैं वही बोलूंगी, देखिए बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी माँ उनके साथ है, और जब जब आपको टाइम मिलता है अपना प्यार जो है शो करिए, उनको जताइए कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं, और जितना हो सके उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लगने लग जाता है ज़िंदगी के एक पड़ाव के बाद कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या उनको उनकी चीज़ों का कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला या वैल्यू नहीं मिल रही है, जिस चीज़ को वो इतने दिल से, मतलब आप हम सबको इतना प्यार से रखती हैं। तो एक छोटे छोटे से जेस्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना प्यार जता सकते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो तो हम कभी लौटा ही नहीं सकते, मगर थोड़े थोड़े से जेस्टर्स हमें अपनी तरफ से, स्पेशली टाइम, और टाइम से बढ़कर कोई भी धन नहीं है मुझे लगता है, तो हमें थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए, उनकी बात फोकस से, अटेंशन से सुननी चाहिए, कभी भी उनकी बात पर ऐसा ना करें कि वो बात करें और हम हमारा ध्यान कहीं और है, तो ध्यान देकर उनकी सुन ले, बस उनके लिए वही बहुत बड़ी जो है चीज़ हो जाती है, और उनको अकेला ना छोड़ें, सबसे बड़ी बात अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, जितना हो सके अपने मम्मी पापा को साथ में रखिए, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सबब का, बहुत बड़ी दुआ का काम है। लास्टली आज की अगर सीक्वेंस की बात करूँ तो किस अलग साड़ी आपने पहनी है और बहुत अच्छी लग रही है उसमें, तो मैंने अलग लुक देखा आज, जी तो उसके बाद बताइए क्या ड्रामा है आज के सीक्वेंस में। आज मैं क्या बताऊँ, मई की गर्मी है और मैं बनारस साड़ी पहन के बैठी हूँ। फ्लोर पे एसी नहीं है भाई, एसी है फ्लोर पे, बट यू नो बहुत हाँ, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। अब सही सही जवाब देते हैं। अच्छा, तो मैम थैंकफुल टू माय क्रिएटिव्स एंड टू द चैनल, टू द लाइक टू द पीपल हु आर वर्किंग फॉर मंगल, फॉर मंगल लक्ष्मी, जो इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना अच्छा अच्छा मुझे खुद फैंस जब भी मिलते हैं, मुझे नहीं, मैं सरप्राइज हो जाती हूँ जब वो कहते हैं कि मंगल की साड़ी उनको बहुत पसंद आती है, मेरी कॉटन की साड़ी, मेरी बनारसी साड़ियाँ, गृह प्रवेश में जो मैंने साड़ी पहनी थी वो काफ़ी लेडीज़ को पसंद आई, तो लोग ये सब चीज़ें इतनी नोटिस करते हैं, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो साड़ी उतनी अच्छी है, बट वो लोगों को बहुत पसंद आती है, तो ये साड़ी तो जेन्युइनली बहुत अच्छी है, सभी साड़ियाँ मेरी अच्छी होती हैं, बट तो आई एम थैंकफुल कि मुझे आज चोटी वाला लुक दिया गया, यू नो, और ये साड़ी इतनी सुंदर जो है दी गई है, और मेकअप और हेयर सबने इतना मिलकर इतना अच्छा काम किया है, बहुत मुश्किल होता है हर रोज़ 12-13 घंटे लगातार काम करना, हमारी हेयर टीम, तन्नू दीदी, निमी दीदी, और हमारे मेकअप दादा अजय दादा, हमारी जो जो लड़की इंदु मुझे साड़ी पहनाती है इतने अच्छे से, रोज़ सुबह आना और रोज़ सुबह रात को जाना, यू नो हर दिन बेस्ट दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मगर ये लोग प्रोफेशनल हैं और हर रोज़ इतना मुझे खूबसूरती से दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की मेहनत जाती है तब जाके ये लुक बनता है, तो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है यहाँ पनोरमा में, पनोरमा हमारा प्रोडक्शन हाउस है, कितना अच्छा टीम मुझे उपलब्ध है, और बहुत अच्छे से चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सो मच, प्लेजर।